हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश नगर, आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक वैली। और दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, आडे विद इन लाइफ ऑफ लोको पायलट। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जो कि हम इसमें दिखा रहे हैं आपको एक लोको पायलट की ज़िंदगी के दिन कैसे होते हैं, मतलब कुछ कुछ उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पिछले एक डे वन का पार्ट बनाया है, अगर आपने डे वन के तीनों पार्ट नहीं देखे तो आप देख लें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी हमारा डे टू शुरू हो चुका है। अब डे टू में हमको मिला है एक शंटिंग ड्यूटी मिली है हमको WDS-6 के साथ, हमारी एक शंटिंग ड्यूटी है जो कि हमको करनी है। तो अब हम इस अपनी शंटिंग ड्यूटी को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमें एक हमसफ़र एक्सप्रेस है जो कि अभी आई है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, मतलब आए हुए से काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब हमें इसको शंट करके लेके जाना है, मतलब इसको वहाँ पर खड़ा कर देना है, इसको ले जा करके अपनी हम सफ़र एक्सप्रेस को हम इसको शंट करेंगे अपने WDS-6 के साथ। हम इसकी कपलिंग कर लेते हैं यहाँ से और यहीं से आप देख सकते हैं इसी के साथ में राइट हैंड साइड के ट्रैक से कोई ट्रेन आ रही है WDP-4B प्रतीक के साथ। ये कोई जन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि इस स्टेशन पर अराइव कर रही है इस टाइम पर। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये रूट है रेलवे गेमिंग का, तो आप उनके चैनल पे जाके इस रूट पर राउंड कर सकते हैं। मैंने इस रूट का लिंक आपको दे रखा है और जितने मॉडल्स मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ सारे मॉडल्स डार लर्निंग बेस के हैं, आप चाहें तो उनके मॉडल्स पे डाउनलोड करके खेल सकते हैं। और याद रखें, अगर आप कोई यूट्यूबर या यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं आप डार लर्निंग में से कोचेज यूज़ करके, तो उनसे आप पहले परमिशन ले लें, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, आ ही जाएगी आपको। तो पहले आप उनसे रजिस्टर हो जाएँ, अपना सर्टिफिकेट ले लें फिर। तो आप देख सकते हैं हमारी राइट साइड में जन शताब्दी एक्सप्रेस इस प्लेटफॉर्म पर अराइव कर रही है और साथ में हमारी जो ये हम सफ़र एक्सप्रेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम सफ़र एक्सप्रेस, ये हम सफ़र एक्सप्रेस ही है बट इसकी थीम अलग है। हम सफ़र एक्सप्रेस की थीम 1 है, आप अगर डालिंग इसकी वेबसाइट से ये थीम डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हम सफ़र एक्सप्रेस की थीम 1 है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस एक्टिविटी का लिंक आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगा इसी शंटिंग ड्यूटी का, आपको शंट करना होगा। तो अभी हम लेके जा रहे हैं अपनी ये हम सफ़र एक्सप्रेस को शंट कर रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से। और इसको शंट करने के बाद हमें एक दूसरी रैक को लेके आना होगा। अब वो कोई भी रैक हो सकती है, कोई भी एक एक्सप्रेस ट्रेन जो कि यहाँ से आगे को जाएगी, तो इसको शंट करने के बाद उस रैक को लाना होगा हमें। तो आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट में जो एक जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसका लोकोमोटिव WDP-4B प्रतीक, ये भी आपको डालनिंग वेज की वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट कर दें, तो मैं इसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा कि आप WDP-4B प्रतीक को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, yash_nagar04 यूज़र आई डी है। कोई भी आपकी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, वैसे कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इस एक्टिविटी का लिंक मैं आपको बहुत जल्द दे दूँगा और आप लोग बताइए क्या चल रहा है। और जैसे कि जानते हैं आप लोग कि मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई रूट हो तो आप मेरे को बताएं, मैं उस पर गेम प्ले ज़रूर बनाऊँगा। तो वैसे ही मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आप में से किसी के पास भी कोई रूट हो जो आप गेम प्ले वगैरह बनवाना चाहते हैं, ट्रायल के लिए आप कैसे भी देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं बिल्कुल, मैं ज़रूर से उस पर बनाऊँगा गेम प्ले। और जो मैं ये एक्टिविटी बनाई है, मैंने ये जो सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम, वैसे तो मैं चाहता था इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मतलब जो ये ट्रेन है हमारी जो हम ये हम सफ़र एक्सप्रेस को हम शंट कर रहे हैं, इस ट्रेन में हम WDP-7 लगाएँ उसको अलग से हटा के फिर शंट करें इसको। बट ये रूट नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, इस वजह से मैंने वो चीज़ नहीं करी, तो वो थोड़ा ऑड लगता, इसलिए मैंने फिर इसका लोकोमोटिव पहले से ही शंट करके इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक लोकोमोटिव खड़ा था, तो वही इसका लोकोमोटिव था जो कि पहले ही शंट होके आ चुका था यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड में हमारी कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, अब हमको इसी ट्रेन को यहाँ से ले जा करके प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है। तो हम पहले अपनी इस ट्रेन को यहाँ पर रोक लेते हैं। ये WDS-6 एक शंटिंग लोको है, तो उसको थोड़ा सा इसका पिकअप यानी कि एक्सेलेट करने में और थोड़ा ब्रेकिंग करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। हम काफ़ी टाइम से ब्रेक मार रहे थे लेकिन ये काफ़ी देर बाद जाके रुका है।
चलिए इसको यहाँ से डीकपल कर लेते हैं। डीकपल करके फॉर्म लेके यहाँ से अपने लोगों को रिमूव करते हैं यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस प्यारे तरीके से हमारा लोकोमोटिव एकदम इससे डी अटैच हुआ है हमारे रेक से। हम अपने लोकोमोटिव को आगे ले आके वहाँ से बैक लेके आएंगे ताकि हम अपनी राइट वाली ट्रैक पर चले जाएँ और उस ICF एक्सप्रेस ट्रेन को कपल करके प्लेटफॉर्म पे ला सकें शंट करके। तो दोस्तों, अगर आपको एक्टिविटीज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम है अगर, या फिर आपको कुछ पसंद नहीं आती, तो आप मेरे को ज़रूर से अपना इशू कमेंट में बताएं और मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उस चीज़ को सुधारने की। तो आप ज़रूर कमेंट करा करें कि आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको क्या चीज़ देखना ज़्यादा पसंद है या क्या चीज़ देखना ना पसंद है ज़्यादा। तो मैं उस चीज़ पर ज़रूर काम करूँगा और अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं क्या है क्या नहीं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में साहिल भाई, अगर आप उनका चैनल नहीं जानते, गेमिंग एंड इन्फो वर्ल्ड, तो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और उसमें उन्होंने, उनकी मतलब वीडियो थी लास्ट वीडियो, तो यार वो देख के बड़ा दुख सा हुआ क्योंकि यार अपने साथ की हैं बिल्कुल। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे से पहले से ही बना रहे हैं वो शायद से, मेरे को इतना याद नहीं है, बट वो ट्रेन्स के ऊपर मेरे से पहले से वीडियोज़ बना रहे हैं। और इस तरीके से उनका एकदम से कम्युनिटी छोड़ना, ट्रेन्स के ऊपर वीडियो ना बनाना, मतलब तो यार काफ़ी बुरा लगता है। साथ के लोग ऐसे चले जाते हैं तो खैर, वो उन्होंने अपना दूसरा चैनल कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी, अगर उनकी वीडियो देखी हो, द लास्ट वीडियो जो उनके चैनल पे है, तो आप अगर, अगर आप एक ट्रेन्स कम्युनिटी के मेंबर हैं जो मतलब ट्रेन्स पे वीडियो बनाता है, तो आप उनकी बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे कि उन्होंने क्या क्या बात कही अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैंने तो 100% रिलेट किया, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है हम सबके साथ। जितने भी ट्रेन्स के ऊपर, जितने भी ट्रेन्स के मेकर हैं, जितने भी लोग मतलब आज पे वीडियोज़ बनाते हैं, जितने क्रिएटर हैं इस गेम को खेलते हैं, सबके साथ यही हो रहा है कि ऑडियंस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो सपोर्ट हमें पहले मिल रहा था। बट कोई नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलती भी हमारी रही हो कि हम वो कंटेंट या फिर वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कमी लगती है मेरी ऑडियंस को, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसी वजह से मैंने कुछ टाइम बीच में वीडियो बनाना छोड़ दिया था, कि मैंने सोची थी नहीं बनाऊंगा ट्रेंस पे वीडियो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको वापस ले आती हैं, तो वही चीज़ मेरे को वापस ले आई यूट्यूब पे। तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे रहूँ और आप सबके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ, तो अपना सपोर्ट दिखाएं थोड़ा सा। कोई फोर्स तो मैं कर नहीं सकता आपको, ये सब आपके हक में है, लेकिन आपको जो कमी लगती है आप मेरे को ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सुधारना चाहूँगा। ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को। आप देख सकते हैं हमारी ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल एक सांप की तरह हमारी ट्रेन लग रही है, स्नेक की तरह ऐसे कर्व्स लेते हुए, बहुत प्यारी। और दोस्तों, ये रूट बहुत अच्छा है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, रेलवे गेमिंग उनके चैनल का नाम है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस रूट को। काफ़ी बेहतरीन रूट बनाया है भाई ने, हाई ग्राफिक है काफ़ी। मेरा डिवाइस लैग कर रहा था साथ में, अगर आप देखेंगे तो कई बार नोटिस करेंगे डिवाइस लैग हो रहा है, क्योंकि रूट ही इतना शानदार है तो इस वजह से लैग हो रहा है। अभी तो ये इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, बट जब भी इसके अपडेट्स आते हैं इलेक्ट्रीफाइड होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और बेहतरीन ये रूट हो जाएगा, ताकि मैं यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स भी चला सकूँ और यहाँ पे एक हाई स्पीड एक्शन करेंगे। और दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, ये 120 kmph तक, अभी तक जो मैंने एक्सप्लोर किया रूट को, वो 120 kmph की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है इस रूट की, जो सेक्शन मैंने कवर किया था उसके अंदर। तो अगर वो रूट मतलब इस रूट में मेरे को मिली है, और बाकी के रूट का मेरे को पता नहीं है इतना, क्योंकि मैं ज़्यादा रूट अभी तक खेला नहीं हूँ इसमें, बट वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन को अगर हम लेके जा रहे हैं और उस पर हम 110 कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये वीडियो हमारी फास्ट फॉरवर्ड है, आप देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म पे अराइव कर रहे हैं अपनी ट्रेन को लेके, WDS6 शंटिंग लोकोमोटिव के साथ। और दोस्तों, ये है मेरा डे टू का पार्ट वन है ये मेरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, यहाँ तक आई हो आपको अभी तक, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर कर दें, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और लाइक करने से भी बढ़ता है। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहें। और फ्रेंड्स, आपको ये एक्टिविटी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी,
ये एक्टिविटी और जो मेरी पिछली डे वन की जितनी भी पार्ट्स थे उन सब की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द। तो जब भी मैं उसको लाऊंगा आप लोगों के लिए पब्लिक करूंगा जब मैं उसको, तब मैं आपको बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में भी और अपनी आने वाली कोई भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहें चैनल को, सब्सक्राइब कर दें तब तक, और आपसे मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में जो कि होगा डे टू का पार्ट टू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।